नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। कबीरदास की उल्टी पानी, बरसे कंबल और भीगे पानी। जी हां, अशोक विहार इलाके में पार्किंग का हाल कुछ ऐसा ही है। यहां डीडीए के कमर्शियल मार्केट वालों की गाड़ियां अगर सड़क पर दिख जाएं तो 1000 मुरव्वत और 5400 रुपए चालान भुगतने के बाद गाड़ी वापस मिलती है। लेकिन यही कार डीलरों की दर्जनों गाड़ियां बड़े मजे से सड़क पर पसरी रहती हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को इतनी बड़ी सड़क पर भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए। ये है अशोक विहार फेस 3 के डीडीए मार्केट गुरु नानक के देवेंद्र चौधरी। इस मार्केट में उनका एक दफ्तर है। मार्केट में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से इन्हें अपनी कार सड़क पर पार्क करनी पड़ती है। लेकिन 11 अप्रैल को नगर निगम की क्रेन इनकी गाड़ी को उठाकर ले गई। वहां जाने पर निगम कर्मियों ने पहले तो एक ही दिन में गाड़ी छोड़ने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य गए तो 5400 रुपए का भारी भरकम जुर्माना चुकाकर गाड़ी मिली। इनका तर्क है कि मार्केट में जगह है नहीं। सड़क पर जहां उन्होंने गाड़ी लगाई वहां नो पार्किंग का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। ऐसे में वो 5400 रुपए का जुर्माना क्यों भुगते? मेरी गाड़ी इस मार्केट में खड़ी थी और यहां पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड लगा नहीं है और MCD वाले क्रेन द्वारा उठा ली गई और वहां मैं गया, मेरे ड्राइवर को भेजा तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, गाड़ी आज नहीं देंगे, कल देंगे। उसके बाद हम 4-5 जने गए RW वाले और वहां पे उसे रिक्वेस्ट करी और लेटर लिखा और उसके बाद उन्होंने RC की फोटोकॉपी और ID मांगा, गाड़ी हमको दे दी। 5400 रुपये इसकी फीस लगी है और चूंकि मेरी क्या गलती इसमें जो मैं 5400 रुपये भरूँ, क्योंकि यहाँ पे नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं है। अगर नो पार्किंग का बोर्ड होता तो मेरी गलती थी। और कॉमर्शियल मार्केट है और मार्केट के अंदर कोई पार्किंग नहीं है और ऑफिस, अगर मेरा ऑफिस है और मैं अगर ऑफिस के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। 5400 रुपये का ये दर्द सहने वाले देवेंद्र चौधरी कोई पहले और अंतिम शख्स नहीं है। नगर निगम ने इन दिनों एक मुहिम चला रखी है जिसके तहत वो रोजाना यहाँ से 10-12 गाड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं। लेकिन वहीं चंद कदमों की दूरी पर ही कार डीलरों की दर्जनों गाड़ियाँ एक लंबी कतार में आधी सड़कों तक पसर कर धूप सेक रही होती हैं। लोगों का कहना है कि निगम की नजरें इनायत इन गाड़ियों की तरफ कभी नहीं होती। मजेदार बात यह है कि जहां कार डीलरों की गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां नो स्टॉपिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। गुरु नानक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो ये सब कुछ नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। कमर्शियल मार्केट है हमारी, अप्रूव्ड मार्केट है जिसके बाहर कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ, तब भी इन्होंने 30-35 गाड़ियां यहां से उठा ली हैं, जहां ना मार्किंग की हुई है। कॉर्पोरेशन वालों ने ना मार्किंग की है कि पार्किंग के लिए कोई जगह दी जाए या प्रोवाइड की जाए। जो गाड़ियों की अनऑथराइज मार्केट है कारों की, बकायदा मंथली पैसे जाते हैं वहां से। हर एक डिपार्टमेंट, पुलिस हो MCD हो, वो पैसे खा रहे हैं, काम करके राजी नहीं है। वहाँ सारी दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लोगों की, पब्लिक प्लेस के ऊपर जो क्या कहते हैं फुटपाथ है, फुटपाथ को कवर किया हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। उनको बकायदा MCD वाले पहले उनको बता देते हैं कि आप गाड़ियाँ हटा लो, क्योंकि उनको मंथली पैसे मिलते हैं। कार डीलरों और प्रशासन की इस मिली भगत से यहाँ के पॉकेट बी में रहने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। उनका दर्द है कि रात के 10 बजे तक डीलरों की गाड़ियों की वजह से रास्ता जाम रहता है। 10 मीटर का फासला तय करने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। वहीं शिकायत पर अगर कोई बड़ा अधिकारी आए तो प्रशासन के हरे राम नाइयों की वजह से वो सूचना उन्हें पहले ही मिल जाती है और सारी गाड़ियां पॉकेट बी की गलियों में चली जाती हैं। कि हमारे पॉकेट के अंदर भी गाड़ियां पार्क कर देते हैं और बाहर भी कार पार्किंग होती है। रात को 9, 10, 8, 9, 10, 11 बजे आओ, यहां पे ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि कार डीलरों की कारें इतनी लगी होती हैं, फुटपाथ भी कवर है और आधी से ज़्यादा सड़क भी कवर होती है। यहाँ पे रेजिडेंस की गाड़ी अंदर पॉकेट के अंदर जाना मुश्किल होती है। डर हो या लालच, बना रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रशासन को प्रभावी बनाता है। लेकिन अशोक विहार में ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित ही प्रशासन ये दोनों ही जल्द खो देगा, जो दोनों के लिए ही अच्छा नहीं हो। गेंद अब भी प्रशासन के पाले में है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि प्रशासन अब भी समस्या के समाधान के लिए कुछ करेगा या अधिकारी यहाँ के जाने के लिए बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।